प्रदेश भर में बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता, सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। यह बीमारी फैले ना इसके लिए सरकार गंभीर है। इसी के बीच डुमना रोड स्थित शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय साइंस कॉलेज में चौकीदार को एक कबूतर मृत टीन शेड में मिला है, जबकि एक कबूतर की हालत खराब है। कबूतर मिलने से साइंस कॉलेज सहित पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। कॉलेज प्रबंधन ने कबूतर मृत पाए जाने के बाद इसकी सूचना वेटरनरी प्रबंधन को दी। इसके बाद वेटरनरी स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर मृत कबूतर को सैंपलिंग के लिए अपने कब्जे में ले लिया। चौकीदार भी हैरान हो गया। साइंस कॉलेज के चौकीदार मन्नूलाल कुशवाहा ने बताया कि ऑडिटोरियम में बदबू आ रही थी। सभी जगह खोजबीन की, परंतु कहीं से पता नहीं चला कि सड़ांध मारती बदबू कहां से आ रही है। ऑडिटोरियम के ऊपर जाकर टीन शेड चेक किया तो वहां दो कबूतर मिले, जिसमें एक कबूतर मृत था जबकि दूसरे की हालत गंभीर थी। बर्ड फ्लू की चर्चाएं जोरों पर हैं। साइंस कॉलेज में कबूतर के मृत मिलने के बाद शहर भर में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा है कि शहर में बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है, जिसकी शुरुआत साइंस कॉलेज से हो गई है। बर्ड फ्लू का जबलपुर में नहीं कोई मामला। कोरोना महामारी के खतरे के बीच प्रदेश के कुछ जिलों में बर्ड फ्लू बीमारी ने दस्तक दे दी है, जिससे जबलपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन संस्कारधानी में इसे लेकर अनेक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जिसके चलते वेटरनरी ज्वाइंट डायरेक्टर अयोध्या गौतम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू को लेकर जबलपुर में कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब तक यहां एक भी मामला सामने नहीं आया है। कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है जो कि अनुचित है। एक कबूतर मरा हुआ निकाला गया है सीट पर से, एक कबूतर जिंदा निकाला गया है ऑडिटोरियम के हाल से, बाहर से ग्राउंड में बाहर था उसको निकाला गया है जिंदे हाल। ये अभी हमको जानकारी नहीं है कि कैसे खत्म हुए कैसे नहीं खत्म हुए, ये मेरे को नहीं मालूम। आपका नाम बताओ। मन्नू लाल कुशवाहा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।